देखिए सुनिए, इसके अंदर अगर बात करें हाँ जी, देखो हाँ भैया सुनी, तो एटम की अगर अपन पिक्चर देखें है ना, तो इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले एक सेंटर में एक पार्ट होता है ना, सेंटर में एक पार्ट, जो सेंटर में पार्ट होता है ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। देखो जैसे ये एटम की पिक्चर है, ये सेंटर दिख रहा है आपको है ना, ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं ठीक है ना। तो सेंटर वाला जो पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं ठीक है। ठीक, इस न्यूक्लियस में क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रखे होते हैं बताओ, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रखे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रखे होते हैं देखो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, सेंटर में देखिए एकदम कुछ पॉजिटिव वाले दिख रहे होंगे आपको है ना ठीक है, और कुछ पे कोई चार्ज नहीं है दिख रहा है ठीक है। फिर ध्यान दीजिए सर्कुलर पाथ बने हुए, चेक करो सर्कुलर पाथ में आपको देखो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है दिख रहा है आपको है ना, समझ में आ रही बात ही ठीक है ना। तो देखो जैसे सुनो, देखो बेटा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर पे जैसे ये वाला जो पार्टिकल है ये वाला पार्टिकल है वो न्यूट्रल है ठीक है, और ये वाला पार्टिकल है देखो उस पर पॉजिटिव चार्ज है ठीक है ना, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ठीक है ना। तो क्या क्या चार्ज है देखो, एक तो है, एक तो क्या आ रहा है बताओ, न्यूट्रल, और एक पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। न्यूट्रल है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन ठीक है ना, समझ में आ रही, न्यूट्रल है उसको क्या बोलते हैं ठीक है, और जिससे पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ठीक है। और इसके बार बार जैसे ये देखो यहाँ पे ये क्या रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन है जो इसके सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं, समझ में आ गया, ये तो जानते हो कोई बड़ी बात नहीं है, बोलो समझ में आ रहा है ये। बोलो आगे बात उसमें, तो देखिए बेटा क्या कहेंगे अपन, सुनो देखिए ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन एक होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे जीरो, समझ आए कोई डाउट, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव न्यूट्रॉन पे, इसका मतलब ओवरऑल न्यूक्लियस पे क्या चार्ज हुआ बताओ, ओवरऑल न्यूक्लियस पे चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया, भाई प्लस और जीरो तो प्लस चार्ज आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, आगे बात समझिए ठीक है। अब देखो क्या इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर पाथ होते हैं, अगर ये सर्कुलर पाथ होते हैं है ना, इन सर्कुलर पाथ में क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं है कि नहीं, ये है सर्कुलर पाथ में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है ठीक है, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन ठीक,
ये समझ में आ गया एटम की पिक्चर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सुनो, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। सुनो, सबसे पहले प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर न्यूक्लियर चार्ज है ना, किस कारण होगा? न्यूक्लियर चार्ज इज ड्यू टू प्रोटॉन। समझ आया, न्यूक्लियर चार्ज किस कारण होगा? प्रोटॉन के कारण होगा, ठीक है। अब देखो सुनो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होता है ना, ठीक है। तो अब देखो, इफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, या आप ऐसा बोलो कि प्रोटॉन के नंबर और इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल है, है ना, तो नेट चार्ज क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। ये बात समझ आएगी? बोलो, ये पॉइंट समझ में आ गए जो मैंने लिखे? तो किसी को डाउट है क्या? बोलो, अरे ये समझ में आ गया क्या? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऐसा क्यों? तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए होता है कि उसमें टोटल नेगेटिव और टोटल पॉजिटिव वो क्या होता है? इक्वल होता है ना। टोटल नेगेटिव और टोटल जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है? वो इक्वल होता है। देखो, जैसे देखो बेटा, ये जो हमने अभी डायग्राम देखा था, ठीक है ना, तो इस डायग्राम में देखो, ये इलेक्ट्रॉन तो दो है माइनस वाले, और ये प्लस वाले दो है। ये देखो, ये प्लस वाले दो हैं, ठीक है ना। ये प्लस वाले कितने हैं? ये दो है, और ये दो न्यूट्रॉन दिखा रखे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है, प्लस का भी दो और माइनस का भी दो, तो नेट चार्ज कितना आ गया? जीरो आ गया कि नहीं आ गया? आगे बात समझ में? बोलो, देखो ये देख लीजिए, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्यों होता है? टोटल पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये फटाफट नोट कीजिए, ऐसा बोलेंगे एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। नोट कर लिया बेटा? हाँ जी, चले आगे।
चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो बेटा सुनो, देखो बच्चों, सबसे पहले अगर आपसे कोई कहे बताओ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट या एटम लिख लो, ज्यादा सही रहेगा है ना, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, कौन कौन होते हैं ध्यान से आप लोग, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल है ठीक है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब सुनो, हमने लिखा प्रोटॉन, इसको पी से दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसको ई से दिखाएंगे, न्यूट्रॉन इसको एन से दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले चार्ज की बात करें ठीक है ना, तो चार्ज देखो कितना होता है, सुनो, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे देखो ठीक है, ये होता है, आगे बात सुनिए, न्यूट्रॉन पे होता है 0, प्रोटॉन पे प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस और न्यूट्रॉन पे 0। ठीक, अब देखिए बात इनके मास की करेंगे, तो प्रोटॉन का मास आता है 1.672 × 10⁻²⁴ ग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम। ठीक है, न्यूट्रॉन का होता है 1.675 × 10⁻¹। बेटा ये डाटा तो अब याद करने पड़ेंगे आपको है ना, आई थिंक याद होगा आप लोगों को है ना, याद होगा। अब सुनो, अगर आपसे कहें कि बताओ मास किसका ज्यादा है, सबसे न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन और प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन, कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, मास है ऑर्डर है, न्यूट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, के पास जाएंगे, बोलो कोई डाउट। ठीक है, अब देखिए आप एक बार बताओ, देखो अगर ये जो मास है ना, इस मास को अगर अपन ए म्यू मिले, ए म्यू नाम सुना है क्या, ए म्यू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, तो देखो उसमें कितना आता है, उसमें इसकी वैल्यू आती है 1.00750 है ना, 1.00750, ये आता है 0.00550 AU और ये आता है आपका 1.00850 AU। ठीक है, दिख रहा है बेटा, ये डाटा है याद करने पड़ेंगे है ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना, डाटा है लर्न करने ही पड़ेंगे आपको। अब एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो मास है ए म्यू में, वो 1 की रेंज में, चेक करो है कि नहीं है, है ना भैया, तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो क्या है, लगभग लगभग 1 AU बोल सकते हैं, क्योंकि इनको छोड़ दो आगे वालों को, 0 0 0 0 ये इसे से छोड़ सकते हैं ना, है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास देखो 0.000 वही ना, तो ये तो अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो अपन ऐसा कह सकते हैं
कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है ना। ये वन से स्टार्ट हो रहा है ना, ये तो 0.000 इतना चल रहा है, चेक करो। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये मास में आई बोलो। अब देखो, अगर आपसे कोई कहे कि बताओ मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो, देखो प्रोटॉन का मास कितना है, ये पता, इसका कितना है 0.00550, ठीक है। सोल्व करेंगे ये वैल्यू लगभग लगभग आएगी 1832 टाइम। इसका मतलब देखो कि मास ऑफ प्रोटॉन जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का है वो कितने टाइम है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में चेक करो, प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है ना। इसी तरह देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1.00550, जब आप न्यूट्रॉन का मास इसका रेशियो लोगे ये आएगा 1834, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या आ जाएगा। तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन का मास इतने टाइम है 1832 टाइम, और न्यूट्रॉन का मास कितने टाइम है 1834 टाइम, है कि नहीं है। इतने ज्यादा टाइम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास इनकी कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ये मास में ही ये तो लिखा समझ में आ गया, बोलो किसी को डाउट। तो क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन के मास को कभी भी क्या एक एटम के मास कैलकुलेशन में यूज नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो देखा जाए तो नेग्लिजिबल है। अरे समझ में आया, इलेक्ट्रॉन का मास कभी भी एटम के मास डिटरमिनेशन में यूज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। क्या ये बात समझ आ गई, बोलो आ गया क्या। तो फटाफट पहले नोट करो, आप जल्दी से नोट करो। तेतिया साहब आपका इस क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में आएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वहां अपन करेंगे बात। हाँ बेटा, कोई सा भी एलिमेंट हो
हमेशा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। इलेक्ट्रॉन चाहे हाइड्रोजन का हो, सीनियम का हो, चाहे आयरन का हो, सारे एक ही जैसे होते हैं, है ना, सारे एक ही जैसे होते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि आयरन का इलेक्ट्रॉन सी है, हाइड्रोजन का हल्का है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपका पेपर जो होगा वो नेक्स्ट वीक लेते हैं, इस वीक में नहीं है, ठीक है ना, नेक्स्ट वीक सैटरडे और संडे। तब तक आप जो आपको मैंने बुकलेट दे रखी थी उसको पूरा सोल्व करो। मैंने आज 50 क्वेश्चन के तो सॉल्यूशन आपको सेंड किए थे, है ना। हाँ भैया हो गया, चलें आगे। इनका मास बेटा निकाला गया था स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, वो तो एमएससी लेवल पे आती है बातें, अपने को ध्यान ही रखना पड़ेगा इस लेवल पे। तो चलें आगे, हटा दूं ये सारा कुछ। चलो अब एक बात सुनो बेटा, एक टर्म आता है स्पेसिफिक चार्ज, क्या मीनिंग होता है कौन बताएगा? स्पेसिफिक चार्ज का मीनिंग कौन बताएगा? स्पेसिफिक चार्ज का मीनिंग बताओ। सर चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ये बेटा सुनो, जब भी आपके सामने है ना ये टर्म आ जाए स्पेसिफिक, तो हमेशा वो यूनिट मास के लिए डिफाइन होगा, ठीक है ना। स्पेसिफिक जब भी आ जाए वो हमेशा यूनिट मास के लिए डिफाइन होगा, है ना। जैसे मैंने बोला स्पेसिफिक लेंथ, इसका मतलब क्या है कि एक ग्राम सब्सटेंस की लेंथ, ठीक है ना। स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसका मतलब एक ग्राम सब्सटेंस का वॉल्यूम। स्पेसिफिक एरिया, एक ग्राम सब्सटेंस का एरिया, समझ में आ गया। स्पेसिफिक चार्ज, एक ग्राम सब्सटेंस का चार्ज, समझ आ गया। स्पेसिफिक जब भी टर्म आ जाए, है ना, तो क्या करना है आपको, देखो मैंने बोला स्पेसिफिक एरिया, क्या करेगा, एरिया अपॉन मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन मास, ठीक है। स्पेसिफिक लेंथ, लेंथ अपॉन मास, समझ आता है। तो क्या किया, देखो यहां जो टर्म है ना उसको ऊपर ले लो, ले लिया, ठीक है। और स्पेसिफिक का मतलब मास से डिवाइड, स्पेसिफिक का मतलब मास से डिवाइड कर दो, समझ में आ गया। तो अब देखो इसका क्या चार्ज है, ऊपर तो आ जाएगा चार्ज और नीचे का आ जाएगा मास, समझ में आ गया, बोलो।
बात जो है। अब देखो बेटा सुनो, अगर हमें स्पेसिफिक चार्ज की बात करनी है, देखो सबसे पहले मैं लेता हूं और प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.672 into 10 की पावर माइनस 24 है, ऐसा कर सकते हैं। फिर देखो और न्यूट्रॉन बोलो क्या, न्यूट्रॉन के लिए तो चार्ज जीरो होता है, होता है तो मास लिखने का भी वैसे तो कोई फायदा नहीं है, लिख लो चाहो तो। फिर देखो और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 और ये आएगा 9.1 into 10 की पावर माइनस 28, ठीक है। ये समझ में आया, ये जो मैंने लिखा समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है, अब बताओ इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसके लिए आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू किसके लिए आएगी? प्रोटॉन के लिए कहां आएगी, इलेक्ट्रॉन के लिए आ रही है? चेक करो, देखो इसको तो एक बार भूल जाएगी, ऊपर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर ये कितना हो जाएगा 5 प्लस में, ये जीरो है ठीक है, और ये कितना आ रहा है चेक करो, 10 की पावर 7 आ रहा है। देखो ये तो सोल्व करोगे 1.672 10 की पावर 5, ये तो जीरो आ रहा है, ये कितना आ रहा है 1.6 9.1, ये आप ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, देखो आपका हो जाएगा, हो जाएगा क्या? तो बताओ सबसे बड़ी वैल्यू किसके लिए आई, ये वैल्यू बड़ी है ये है या ये है, इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, है क्या? बोलो तो बताओ स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन फिर प्रोटॉन और फिर बताओ बोलो न्यूट्रॉन। हो गया जी, क्या बात समझ में आ गई? अच्छा चार्ज नेगेटिव है, एक बात सुनो बेटा, जैसे मैं अगर आपसे ये बोलूं कि ये जो आप रेशियो ले रहे हो मास नेगेटिव होगा क्या, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेके निकालना पड़ेगा ना, चार्ज प्लस माइनस सिर्फ क्या है भाई, हम क्या कहते हैं, अब आप ये सोचो आप ये बोलोगे क्या इलेक्ट्रॉन के लिए जो ये वैल्यू आई माइनस जो भी वैल्यू आ रही सोल्व करने पे, तो माइनस में तो कैसे इंडिकेट करेंगे, मैं कहता हूं इस मार्कर का मास माइनस 2 ग्राम है, पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। हो गया जी, हो गया क्या? हाँ भाई चले आगे, तो ये ऑर्डर आता है एग्जाम में, याद कर लेना भैया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये पूछते हैं, ठीक है। एक बात बताओ अगर मैं आपसे ये बोलूं, एडिंग डालो
रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये होता तरीका, ठीक है ना। तो यहां जो x है, ठीक है, वो क्या होता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक। z जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। फिर a जो है वो है मास नंबर, ठीक है। तो a जो है वो है मास नंबर। ये जो a है ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये काम का फॉर्मूला है, काफी काम आएगा आपका। इसका मतलब a क्या हो गया, p प्लस n, n क्या आ जाएगा, a माइनस, ठीक है ना। जैसे देखो बेटा सुनो, मेरे पास है सोडियम 11, 23, तो चार्ज नहीं है, है ना, चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब जीरो हो गया। अब बताओ इसका मास नंबर बोलो, ये रहा देखो 23 है, है भैया। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, 12 आ गए। अब देखो इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे बताओ, सिंपल सी बात है, अगर वो न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन भी कितने ले लो, समझ में आ गया। ऐसे देखो सुनो, मैं कहता हूं मेरे पास ही है यूरेनियम 92-238, ठीक है। इसका मास नंबर बोलो कितना, मास नंबर 238 है, प्रोटॉन कितने हैं 92, न्यूट्रॉन माइनस कर दो, माइनस कर देंगे क्या, तो कितना आ जाएगा 146 इलेक्ट्रॉन 92। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आ गई, फटाफट नोट करो ये। आपका अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप क्लास के बाद मेरे को कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, है ना। हाँ जी जोशी सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो नंबर होते हैं वो सेम हो सकते हैं क्या, लेते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, हाँ बेटा, वो सेम हो सकते हैं क्या सर? सेम हो सकते हैं, स्टार्टिंग एलिमेंट में सेम होते हैं, बाद में नहीं लेंगे। अभी लेते हैं एग्जांपल, देखो एक बच्चे का क्वेश्चन था कि क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर इक्वल हो सकते हैं क्या, तो देखो सुनो, हो सकते हैं। जैसे देखो मैंने लिया कैल्शियम 20 और 40, इसका मास नंबर कितना है 40, प्रोटॉन कितने हैं 20, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 20, इलेक्ट्रॉन भी 20 हो सकते हैं इक्वल। हो सकते हैं बेटा, ओके सर। हो गया भाई,
हो गया क्या? चलो देखो बेटा सर, आपको लोचन ये आपको दिया रहेगा एटॉमिक नंबर और मास नंबर, कोई जरूरत नहीं पड़ती आपको, है ना, आपको दे देगा Fe2656 लिखा रहेगा तो निकाल सकते हो ना, क्या दिक्कत है, ये देगा आपको एग्जाम में, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। लोचन समझ में आ गई बात? सब दिया रहता है, अरे दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा। लोचन समझ में आ गया क्या? याद नहीं करना किसी का। चलो देखो सुनो, आप लोगों को 20 एटॉमिक नंबर तक तो याद होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम याद है, बेरिलियम बोरोन, तो बेटा 30 तक याद कर लें आप, है ना, 30 तक जरूर याद कर लें। देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन लियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन कैल्शियम कैल्शियम। अब देखो जैसे हाइड्रोजन काम का जो काम काम के वो मैं लिख देता हूं, तो देखो ये जरूरत नहीं याद करना, तो मैं बंद कर रहा हूं, वो याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, इनर्ट गैसेस का कोई काम नहीं आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जरूर लो बाकी काम नहीं आएगी, वैसे ये दिए रहेंगे एग्जाम में, ये ध्यान रखें आप, है ना, बट कम से कम एटॉमिक नंबर याद कर लें आप, एटॉमिक नंबर जरूर लर्न कर लें। मास नंबर याद होए तो ठीक है, एटॉमिक नंबर जरूर कर लेना 20 का। चले आगे, याद होगा, हाँ जी देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट हटा दू, अब देखो सुनो एक चीज लेते हैं, दो टर्म आते हैं देखो, एक आता है मास, एक आता है एटॉमिक मास, मास नंबर और एटॉमिक मास, क्या डिफरेंस होता है?
लोचन बताएंगे आप? हाँ जी, देखो सुनो बेटा, दो चीजें, मास नंबर और एटॉमिक मास, ठीक है? तो सुनिए क्या होता है। मास नंबर जिसको अपन बोलते हैं ए, ये तो सिंपली क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है? और एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ होल प्रोटॉन प्लस मास ऑफ होल न्यूट्रॉन। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखो सुनो, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है कार्बन 6-12, ठीक है ना? तो इसका अगर अपन देखो, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? 6, है? 12-6, तो दोनों का जो सम आता है वो मास नंबर आ गया। 6+6 इट विल बी 12, ओके? अब देखो सुन, बात अगर करें कि हमें एटॉमिक मास निकालना है तो क्या करेंगे देखो, है ना? तो क्या करोगे देखो, आपके पास 6 प्रोटॉन है, 1.00750, एंड न्यूट्रॉन है 1.00850। ये ए भी होता है, बताया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, बताया था। इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू आएगी 12.09। समझ में आया? देखो सुनो, बड़ा सिंपल सा फंडा है। जैसे अपन ये बोले कि देखो मेरे हाथ में अभी कितने मार्कर है, तीन है ना? तो ये जो नंबर है ना, ये तो हो गया मास नंबर, और इन सब का मास लेके जोड़ दो तो वो हो जाएगा क्या? एटॉमिक मास। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया। जैसे मान लो क्लास में 50 स्टूडेंट है, वो तो नंबर हो गया, ठीक है? अब सारे बच्चों का मास लेके जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास। समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ कि जो मास नंबर है वो हमेशा होल नंबर में रहेगा ना? क्लास में 50 स्टूडेंट हो सकते हैं, 51 हो सकते हैं, 50.5 नहीं हो सकता, 49.5 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना? यानी ये हमेशा क्या आएंगे? मास नंबर हमेशा होल नंबर में आएगा। ये क्या आएंगे? फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी ना? अरे आएगी, बोलो। ये डेसिमल वैल्यू होगी, ये डेसिमल में आएगा और ये हमेशा होल नंबर में आएगा। समझ में आया डिफरेंस? बोलो, बात समझ में आ गई? ये हमेशा होल नंबर में आएगा और ये हमेशा डेसिमल में आएगा। बट देखो, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन का मास है वो वन की रेंज में है। कौन सी रेंज में? वन की रेंज में। बड़ा डिफरेंस सुनिए देखो, 12 और 12.09, ठीक है ना? तो क्या कह सकते हो आप? देखो, अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि मास नंबर जो है वो क्या होगा? ऑलवेज होल नंबर, है ना? और ये क्या होगा? इन डेसिमल वैल्यू, इन डेसिमल वैल्यू। ये बात समझ में आएगी? बोलो, ये होल नंबर में और ये डेसिमल वैल्यू में। अरे डिफरेंस में आया? बोलो। वैसे को बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास कौन सी रेंज में आ रहा है? वन की रेंज में आ रहा है। ये बात समझ में आई?
नोट करो बेटा फटाफट। हाँ जोशी सर, अपन इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं लेते एटॉमिक मास में? अरे स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था मैंने भी? नहीं सर, तो भी थोड़ा तो चेंज आएगा ही सर। क्या लिखा था उसकी वैल्यू क्या? 0.000550 ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है दोनों। हाँ सर, ऑलमोस्ट नेग्लिजेबल तो है, पर डिफरेंस तो आएगा फिर भी। कुछ नहीं आएगा, जो डिफरेंस आएगा नहीं वो आएगा? नहीं है। ठीक है सर। बेटा इलेक्ट्रॉन के मास को नहीं जोड़ेंगे ना। आपको मैंने शुरू में क्या बताया था कि प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1.832 टाइम। सोचो आप, आपके पास किसी के पास 1 रुपया हो और किसी के पास इतने रुपए हो, तो ये 1 रुपया इसके कंपैरिजन में क्या है? अरे नेग्लेक्सिबल है ना। आपकी जेब में 1 रुपया है और किसी की जेब में इतने रुपए हैं, तो ये तो नेग्लेक्सिबल हो गए ना। मैं जीरो नहीं कह रहा हूं लेकिन है तो नेग्लेक्सिबल ना। जो समझ में आई बात? अरे समझ में आई क्या? हेलो। अरे जोशी समझ में आई बात तेरे को? हाँ भैया हो गया। अब आप सोचो अगर इलेक्ट्रॉन के मास को जोड़ोगे इसमें क्या फर्क पड़ेगा? देखो 6 × 0.000550 कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अरे जोशी समझ में आया क्या? हाँ भैया चलेंगे आगे। आप सोचो जैसे किसी बच्चे के 100 में से 95 मार्क्स आए और मेरे जैसे के 10 नंबर आए सपोज, तो वो जो 10 मार्क्स है ना वो 95 के कंपैरिजन में क्या है? नेग्लिजिबल है ना। अरे उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 100 में से 95 और 100 में से 10 फर्क है ना। हाँ जी एक बात बताओ। ये सुनो एक सिंपल सा क्वेश्चन। मैं कहता हूं कि इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज डबल एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज रिड्यूस्ड टू हाफ, देन कैलकुलेट चेंज इन मास, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन मास फॉर ऑक्सीजन 860। बताइए भैया, इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज डबल एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज रिड्यूस्ड टू हाफ, देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन मास फॉर ऑक्सीजन 816। बताओ बच्चों।
हाँ भैया देखो सुनो, सबसे पहले अगर बात करें अपन तो क्या करेंगे, देखो इनिशियल कंडीशन में देखो क्या है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो भी 8 ही है, और दोनों का मास 1 की रेंज में बताया था, टोटल कितना हो गया 16, याद है क्या, 1.00750, तो इसको मैं छोड़ देता हूं, तो फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं फाइनल कंडीशन लो तो देखो अब क्या हो जाएगा, 8 प्रोटॉन, अब डबल कर दिया तो 1 का डबल करो आप तो 2 हो जाएगा, 1 का डबल 2, और ये तो हो गया प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए बोलो 8 × 1/2, 1 का डबल करना है तो 1 का डबल 2, और 1 का हाफ करना है तो 1.5 हो गया, कितना हो गया देखो 16, और कितना हो गया ये 4, टोटल कितना हो गया 20 हो गया। अब चेक करो देखो, पहले 16 था अब कितना हो गया 20 हो गया ना, अरे पहले 16 था 20 हो गया, तो क्या हुआ बताओ, बढ़ गया, कितने का डिफरेंस आया, डिफरेंस कितने का 20 − 16, 4 गया क्या, 4 गया। आप मुझे वहां बताओ ये जो 4 का डिफरेंस आया वो 16 पर आया ना, ये पहले 16 था अब 20 हो गया, तो देखो 16 पे कितना बचा 4, 1 पे कितना बढ़ा ये, तो 100 पे कितना बढ़ जाएगा 4/16 × 100, तो कितना हो गया, अरे परसेंटेज समझ में आया ना, ये परसेंटेज निकालना आया क्या समझ में, डिफरेंस समझ में आ गया, पहले 1 था, 1 का डबल किया 1 का हाफ किया, ठीक है तो 20 आ गया, तो 16 और 20, समझ आ गई बात, ये 4 का डिफरेंस आया, वो 4 का डिफरेंस 16 पे आया था ना, क्योंकि आपको इंक्रीमेंट निकालना है तो निकालो तो इसी पे ना, क्योंकि बड़ा तो इसी पे है ना, जैसे पहले माइनर में मान लीजिए आपके मार्क्स आए 100 में से 60 है ना, और अगले में मान लीजिए आए आपके 80, तो कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया ना पिछले के कंपेयर में, तो जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट निकालना है तो आप निकालोगे जिसके लिए चेंज हो उसी के लिए बात करोगे ना। अरे बात सुनागी क्या, चलो ठीक है, हाँ जी ना, एक बात बताओ बेटा, हम बात करते हैं देखो, एक होता है न्यूट्रल एटम, एक होता है केटायन और एक होता है एनायन, ठीक है होता ही, तो सुनो ये कल करते हैं बात, अपन कल आपका